भगवान राम की नगरी में होने वाले दीपोत्सव को भव्यता और दिव्यता देने के लिए अब संतों के साथ जिले के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बैठक की है और इस बैठक में अयोध्या के सभी प्रमुख मठ के मंदिरों के संत महंत शामिल थे। इस दरमियान भगवान राम लला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव दिव्यता और भव्यता के साथ कैसे प्राप्त करें, इसके साथ ही कार्तिक माह में होने वाली पारंपरिक परिक्रमा 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा को लेकर भी संतों के साथ बैठक की गई, जिसमें दीपोत्सव के साथ साथ परिक्रमा के सफल आयोजन को लेकर सुझाव भी लिए गए। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है क्योंकि रामलला 90 मंदिर में विराजमान है। ऐसे में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने ताकत लगा दी है। दीपोत्सव को कैसे दिव्य बनाया जाए, इसको लेकर विशेष कार्यक्रम होंगे जिसमें प्रमुख रूप से एक साथ 25 लाख दीपक जलाने के कीर्तिमान के साथ साथ सरयू की महाआरती का भी विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ड्रोन के जरिए भगवान राम के जीवन वृत्त को आकाश में प्रदर्शित किया जाएगा और इसके साथ ही दीपोत्सव के भव्य आयोजन के लिए मठ मंदिरों को भी सजाया जाएगा, जिसमें संतों महंतों से सरकार की तरफ से निवेदन भी किया गया है। अयोध्या में 2017 से भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है और उसी कड़ी में इस वर्ष 30 अक्टूबर को दीपोत्सव का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जाने वाला है। 25 लाख से अधिक दीप जलाने का एक ही समय में राम की पैड़ी पर सरयू मैया के तट पर यह आयोजन किया गया है, जो अपने में एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में यहाँ संपन्न होता है। भगवान श्री राम का लंका पर विजय होने के पश्चात अयोध्या आगमन पर राज्याभिषेक के बाद जो दीपोत्सव दीपावली मनाई गई थी, उस स्मृति में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसको आयोजित करा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उसका दर्शन करते हैं। अयोध्या की भव्य सजावट होती है, तो उस कार्यक्रम के तैयारी के दृष्टि से पूज्य साधु संतों के साथ यहाँ पर बैठक संपन्न हुई है। उनके कुछ सुझाव जो पिछले वर्षों में उनके अनुभव हैं उसके आधार पर हम लोगों ने प्राप्त किए हैं और उसको और ठीक करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। नवम्बर के दूसरे सप्ताह में 5 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा शुरू होने वाली है, तो उस दृष्टि से भी उसके तैयारियों के दृष्टि से आज मैंने 5 कोसी परिक्रमा मार्ग को और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का भ्रमण किया है और उसमें चूँकि निर्माणाधीन है, पिछले एक साल से वो बन रही हैं और बनने का समय भी अभी आगे तक है, तो उनमें कोई भी हमारे जो परिक्रमा करने वाले यात्री हैं उनको कठिनाई न हो, उस दृष्टि से लोक निर्माण विभाग, क्षेत्र निगम और अन्य विभागों को यहाँ पर महापालिका का जो कार्य क्षेत्र है उसके भीतर उनकी स्वच्छता, साफ सफाई, पानी की का प्रबंध, उनके लिए कुछ विश्राम के जगह, उनके स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य कैंप और साथ साथ में मार्ग पर किसी तरीके का कठिनाई उनको चलने में न हो उसकी व्यवस्था किए जाने के लिए आज हमने निर्देश दिए हैं। मंत्री जी, अयोध्या वासियों के लिए और तमाम जो श्रद्धालु दीपोत्सव को देखना चाहते हैं उनके लिए साज सज्जा का 2 दिन और बढ़ाया गया है, 1 नवंबर तक रहेगा, क्या है वो? जो सजावट होती थी उसको 2 दिन के लिए और बढ़ाया गया है, जिससे कि लोग क्रमशः आकर के उसको देख सकें, उन्हें कोई कठिनाई ना हो। एक साथ आने में उनको कठिनाइयाँ रहती थी और वो उसका अवलोकन नहीं कर पाते थे, इस नाते यह व्यवस्था की गई है। देखिए, एक तो 25 लाख से ज़्यादा दीप एक समय में जलाए जाने वाले हैं और वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पिछले साल भी रिकॉर्ड हुआ था, इस साल वो अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नई रिकॉर्ड बनाएगी। इसके साथ 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 1100 हमारे जो विद्यार्थी हैं गुरुकुल के, उनके द्वारा वो दीप मालिका दीपोत्सव के कार्यक्रम में 1100 दीप उनके द्वारा आरती की जाएगी, वो भी अपने में एक ऐतिहासिक है। इसके साथ साथ जो है वो ड्रोन से भगवान श्री राम के जीवन वृत्त के विभिन्न प्रसंगों को उससे जो है अवलोकित कराए जाने के लिए उसकी भी व्यवस्था कराई गई है, तो ये सब चीज़ें ऐतिहासिक एक अभूतपूर्व तरीके से आगे की ओर बढ़ रही हैं। संतों ने मांग हो गया, धन्यवाद।